देखो कोई लाइन ही नहीं है, तो बोर्डियो से क्या पढ़ रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा है। और बोर्डियो के अगर टीचर आपको सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि भाई आपका बी बस यहाँ जा रहा है, कहाँ पे आपका बी बस आपका यहाँ जा रहा है, देखिए दिखा देता हूँ, ये बी बस यहाँ जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप सही एक इंस्टीट्यूट में हैं या सही पर्सन के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बोर्डियो बच्चे बना रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे बना रहे हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, आप बोर्डियो के खुद फेसबुक में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, और इतना नॉलेज नहीं है, ये सब लाइनों को छाप छाप के बनाते हैं। ये आपके लिए आसान तो लग जाता है, पर ये एंडलेस नहीं है। एंडलेस सीखना है तो हिस्सा टेलीकॉम आओ, फिर नहीं तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जिनको थोड़ा डायग्राम्स का नॉलेज है, जो डायग्राम से पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों से नहीं पढ़ाते। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही होगा। ये देखो इस कैपेसिटर पे देखो कोई भी लाइन डाली है क्या, नहीं ना। अब यही कैपेसिटर यहाँ पे देखो, ये देखो यही कैपेसिटर यहाँ पर C1617 देखो बी बस। अभी क्या है इस आईसी, इस लाइन को आप चेक ही नहीं करोगे तो आपका चार्जिंग बनेगा नहीं। आप सोचोगे कि मेरा तो चार्जिंग आ रहा है, मेरा पूरा लाइन आ रहा है। अब चलो इसी को चीज़ को प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पर बोर्डियो पे डिपेंड है, तो बोर्डियो तो आपको लेटा देगा पूरी तरीके से। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, बोर्डियो पे पढ़ने वाले जो टीचर, पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, वो देख लीजिए कैसा अंधाधुन नॉलेज रहता है उनका। और जो सिर्फ क्लास में आके बोर्डियो खोल लेते हैं, बोर्डियो से पढ़ाते हैं, तो उनका कोई नॉलेज नहीं है। जो बोर्डियो की लाइनों को बता रहे हैं, एसएमबी आईसी है। और आप नोटिस करें कि यहाँ पर अगर ये देखिए, ये चार्जिंग आउट, ये बीपीएच पावर आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो यहाँ से चार्जिंग आउट जा रहा है। इसमें क्या क्या है, इसमें डीसी इन हो रहा है, डीसी मतलब बी बस। और चार्जर लगाने के बाद में ये आया, तो अब आप देखेंगे तो ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, ये सेव और सेव चार्जिंग का लोगो दिखाता है, पर ये कोई एम्पियर समझ में नहीं आया। तो अब ये समझ जाओ कि यूट्यूब से तो यार घंटा नहीं कुछ समझ सकते और बोर्डियो से पढ़ाने वाले टीचरों को मैं क्या ही बोलूं, और नहीं ले रहा है कि मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास एक चार्जिंग के सेट हैं, आप देख सकते हैं, और ये है A2 बेसिकली, इसको हम A2 भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये है MI का 6X भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसके साथ मेरे पास और चार्जिंग के सेट हैं जो हमने डन कर दिए हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये सारे चार्जिंग के सेट हैं यहाँ पर, एक एक करके बताता हूँ उसमें क्या क्या फॉल्ट है ये भी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले ये चार्जिंग का सेट था, ये एक सैमसंग का A51 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर OBP IC बाईपास की हुई है, ठीक है। और हमने IC उतारी नहीं, क्योंकि बिना IC उतारे भी पता लगाया जा सकता है कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत आसान तरीके हैं और ये सारी चीज़ें हम इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। तो एक ये फ़ोन बनाया है, दूसरा मैं आपको अगर ये दिखा भी देता हूँ क्या है उसमें एक एक करके। तो दूसरा एक ये बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था चार्जिंग के लिए, एक ये फ़ोन बनाया हुआ है। और इस फ़ोन में भी स्लो चार्जिंग थी तो एक इसको बनाया, इस फ़ोन में फेक चार्जिंग थी एक इसको बनाया, और एक ये फ़ोन था। और ये फ़ोन अभी करेंटली अभी हमारा बन रहा है, क्योंकि इसको हमने निकाल के रखा हुआ है, इसमें चार्जिंग लोगो पे था, तो इसका हमने CPU लगा के रखा हुआ है बोर्ड में, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। और सिर्फ रैम लगानी है, तो रैम लगाना है बस, और इस फ़ोन को अभी चालू कर देंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं स्टेप टू स्टेप, क्योंकि
अब बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें, बट अगर नॉलेज हो तो आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। और दोस्तों इसमें हैं दो चार्जिंग आईसियाँ, ठीक है, ये डबल चार्जिंग आईसी सर्किट है। तो चलो इसको हम देखते हैं कि डबल चार्जिंग आईसी सर्किट क्या है। मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये यूएसबी टाइप सी है। देखो चार्जर लगा के फ़ोन लोगों पर तो आ जाता है, ये देखिए, बट ये चार्ज नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको 68%, अभी उतर रहा है, 70 था पहले जब मेरे पास, मैंने पहली बार उसको टेस्ट किया था। और आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए एम्पियर देखेंगे तो ये एम्पियर बिल्कुल नहीं ले रहा। ये देखिए, ये देखो चार्जर निकाल दिया, देखो तब भी 0.60 आ रहा है ना। ये मेरी लाइट का एम्पियर है जो माइक्रोस्कोप के साथ लगी हुई है। ये 0.060 के नीचे का एम्पियर देखिएगा, उसके नीचे एम्पियर देखिए, 0.60 के नीचे। तो देखिए अब मैंने चार्जर लगाया, और चार्जर लगाने के बाद मैं ये आया, तो अब आप देखेंगे तो ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ये सेफ और सेफ चार्जिंग देखकर का लोगो दिखाता है, पर ये कोई एम्पियर नहीं ले रहा है किसी भी प्रकार का। तो चलो आप उसको बनाते हैं। और ये डबल चार्जिंग सर्किट है, और दोस्तों डबल चार्जिंग सर्किट क्या है, चलो मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ इस फोन से। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बोर्नियो पे डिपेंड हैं, अगर आप किस पे डिपेंड हैं, बोर्नियो पे डिपेंड हैं, तो बोर्नियो तो आपको लेटा देगा पूरी तरीके से। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, बोर्नियो पे पढ़ने वाले जो टीचर, पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, वो देख लीजिए कैसा अंधाधुन नॉलेज रहता है उनका। और जो सिर्फ क्लास में आके बोर्नियो खोल लेते हैं, बोर्नियो से पढ़ाते हैं, तो उनका कोई नॉलेज नहीं है जो बोर्नियो की लाइनों को बता रहे हैं। तो डायग्राम पे अब देखेंगे कि एक यहाँ पे मेन पावर लगा है और यहाँ पे एक एसएमबी लगा है। तो मेन पावर, अच्छा इन्होंने एसएमबी तो बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओबीपी बताया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, ये ओबीपी आईसी है, उसके बाद ये बीबस की सप्लाई है, बीबस की सप्लाई, फिर उसके बाद में आप देखिए ये आपकी यहाँ पर, ये देखो ये जो बता रहे हैं यूएसबी इन, जो यहाँ पर डाल रहे हैं किधर, ये इस आईसी के अंदर। ये देखिए कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे, तो ये कैपेसिटर, ये देखिए नोटिस कीजिएगा, ये जो यूएसबी की सप्लाई है, ये यहाँ पर ये कैपेसिटर में आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर C617। अगर मैं बोर्नियो की बात करूँगा तो देखते हैं कि बोर्नियो हमें क्या दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस आईसी में, ये देखो कोई लाइन ही नहीं है। तो बोर्नियो से क्या पढ़ रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। और बोर्नियो के अगर टीचर आपको सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि भाई आपका बीबस यहाँ जा रहा है, कहाँ पे आपका बीबस आपका यहाँ जा रहा है, देखिए दिखा देता हूँ, ये बीबस यहाँ जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप सही एक इंस्टीट्यूट में हैं या सही पर्सन के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बोर्नियो बच्चे बना रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे बना रहे हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, आप बोर्नियो के खुद फेसबुक में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, और इतना नॉलेज नहीं है। ये सब लाइनों को छाप छाप के बनाते हैं। ये आपके लिए आसान तो लग जाता है, पर ये एंडलेस नहीं है। एंडलेस सीखना है तो इससे टेलीकॉम आओ, फिर नहीं तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जिनको थोड़ा डायग्राम्स का नॉलेज है, जो डायग्राम से पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों से नहीं पढ़ाते। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सही होगा। ये देखो इस कैपेसिटर पे देखो कोई भी लाइन डाली है क्या, नहीं ना। अब यही कैपेसिटर यहाँ पे देखो, ये देखो यही कैपेसिटर यहाँ पर C1617, देखो बी बस। अभी क्या है, इस आईसी इस लाइन को आप चेक ही नहीं करोगे तो आपका चार्जिंग बनेगा नहीं। आप सोचोगे कि मेरा तो चार्जिंग आ रहा है, मेरा पूरा लाइन आ रहा है। अब चलो इसी को चीज को प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप मल्टीमीटर के साथ भी देखिएगा, देखिए मल्टीमीटर मैंने चालू किया और यहाँ पे 20 वोल्ट पे इसको रखा हुआ है। और जो अगर बोर्नियो के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, नोटिस करना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, ये देखो 5 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ ये बूट कैपेसिटर है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, तो ये तो बिल्कुल सही है।
अगर मैं फ्रिक्वेंसी का अगर मैं स्विचिंग की बात करूं, सॉरी स्विचिंग की बात करूं, तो आप स्विचिंग में देखिए इस मल्टीमीटर में यहाँ पर ये देखिए आपको स्विचिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अगर आईसी सही है तो हम इस आईसी पे काम क्यों करें, एक बार बताओ। हमें इस आईसी पे काम ही नहीं करना, अब हमें चेक करना है। अब देखो, अब यहाँ पर जब मैंने देखा, अब मैंने डायग्नोस किया, तो आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह का काम है। यहाँ पे एक चार्जिंग, एक यहाँ पे कॉइल है, एक कॉइल आप बूस्ट कॉइल बोल सकते हैं। देखो नॉलेज नहीं है तो हर कॉइल बूस्ट कॉइल देखती है, अब जब नॉलेज हो जाएगी तो बूस्ट कॉइल बोल लो या बक कॉइल बोल लो या कोई सा भी कॉइल। ये जो कॉइल पहली बार तो निकला हुआ है, तो आपको जानना है, जरूरी है कि कॉइल ये है क्या। तो चलिए एक बार मैं कॉइल बता देता हूँ वो क्या है जो निकली हुई है। हो सकता है वो लगाने पर भी चार्जिंग बन जाए, पर हम इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता है ये आईसी का मसला हो। तो ये देखो, ये वाला कॉइल निकला हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये वाला कॉइल निकला हुआ है, और ये जो कॉइल है, ये देखो, ये यहाँ पर देखो चार्जिंग का स्विचिंग कॉइल है अभी क्या। और यहाँ पर भी एक बूट कैपेसिटर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर भी एक बूट कैपेसिटर दिया हुआ है। तो जो लोग बुरे होते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा चार्जिंग हो गया है, 1.0 यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं 1.0 आ गया है। और हमारा जो चार्जिंग है वो भी अब बढ़ेगा, आप देख सकते हैं 1.0। केवल एक क्या लगाया क्या नहीं लगाया, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप ये समझ जाओ कि YouTube से तो यार घंटा नहीं कुछ समझ सकते। और बोर्डियो से पढ़ाने वाले टीचरों को तो मैं क्या ही बोलूं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको ऐसा टेलीकॉम इस लेवल पे दे सकता है तो आइए यहाँ क्लास में और बैठिए क्लास में। हम आपको यहाँ पर आइए क्लास में और क्लास में हमारे ज्वाइन कीजिए ऐसे टेलीकॉम में और सीखिए एंडलेस जो हम आपको सिखा सकते हैं। मैं एक बार आपको चार्जिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए 71 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 68 का पहले, और ये 1 एम्पियर पे अब चार्ज हो रहा है। 68 था, 71 पे चला गया है और 1.1 एम्पियर चार्ज हमारा ले रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो हमारा चार्जिंग ले रहा है ये 1.1 एम्पियर तक ले रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर
और पहले ही हमारा चार्ज बिल्कुल नहीं ले रहा था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको बताया डबल चार्जिंग सर्किट, और ये बताया कि यार देखो बूढ़ियों, अगर आप बूढ़ियों की फेसबुक में जाओगे तो देखोगे कि आप 15 साल के बच्चे कोला पीकर वहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं। तो बूढ़ियों पे डिपेंड मत रहो, और जो दुकान वाले ये बोलते हैं कि भैया बूढ़ियों से सीख लो, इंस्टीट्यूट मत जाओ, पैसा मत खर्च करो, तो वही दुकान वाले कहीं दूसरी जगह से सीख करा के बैठे हुए हैं और वो आपको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि कहीं जगह सीख कर मत आओ, क्योंकि हर एक की एक अपेक्षा होती है। दुकानदार को लगता है मैं सीख करा के एक इंस्टीट्यूट खोल लूँगा तो उसको लगता है इंस्टीट्यूट जाके एक ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि मैं इंस्टीट्यूट वाला ही बन जाऊँगा। तो इन लोगों को लगता है ऐसा है कि ये ज्ञान बस ले लो और बस अगले दिन ज्ञान देना चालू कर दो। इनको ये नहीं लगता है कि ज्ञान लेकर उसको अपने अंदर समाना, मतलब उस पर प्रैक्टिकल करना, उसका एक्सपीरियंस लेना, और इतना करने के बाद 2-3-4 साल के बाद में एक टीचर पैदा होता है, और अगर 2-4-5-6 साल वाला टीचर होगा तो वो सिर्फ आपकी पढ़ी पढ़ाई लाइनों को पढ़ाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपके घर में अगर कोई भाई बहन या ऐसे कुछ हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या किसी स्कूल या कॉलेज में जा रहे होंगे, प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट कॉलेजों में, तो आप उनसे पूछना कि आपके टीचरों को, आपके टीचरों की कितना एक्सपीरियंस है। दोस्तों 90% इंजीनियरिंग कॉलेज में आज की डेट में आपको टीचर वो मिलेंगे जो 2-1 साल पहले इंजीनियरिंग पढ़कर आकर यहाँ पर बैठे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, वो टीचर बन गए, तो वो आपको क्या इंजीनियर बनाएंगे? वो सिर्फ मोटी किताबों को खोल के 2 पन्ने को लिख देते हैं बोर्ड में और चले जाते हैं। वैसे ही इंडिया के अंदर टीचर्स की भरमार है, और डेमो क्लास लेकर अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि डेमो में वही वाली बात है कि किसी दुकान के बाहर तो एक अच्छा सा पोस्टर सजा हुआ है, पर अंदर जाओ और एक्चुअल में जब प्रोडक्ट परचेस करो तो कुछ नहीं निकलता है। यही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। डेमो क्लासेस में आपको ऐसा 2 दिन के अंदर चमकाया जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट बनाया जाएगा, 2 दिन में आपको आईसी निकलवा देगी, माइक्रो जंप कुछ भी करवा सकते हैं, फिर ले देके फिर पूरे महीने बाद आप अनसेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं कि भाई मैं तो डायग्नोसिस नहीं सीख पाया, मैं एमएमसी का वर्क नहीं सीख पाया, मैं अभी तक नहीं सीख पाया कि लाइट सेक्शन कैसे बनाए, चार्जिंग कैसे बनाए। तो फिर क्या मतलब है? किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल देखिए, उनके इंस्टीट्यूट के पीछे बैकग्राउंड के वीडियो देखिए, उनके काम देखिए, उनके हर महीने का आउटपुट देखिए, उनके हर महीने का आउटपुट के बच्चों से बच्चों का आप देखिए कि कितना क्या फील से वो आउटपुट दे रहे हैं, और इंस्टीट्यूट को कॉल कीजिए, उन बच्चों से बात कीजिए, तो जाके एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ऐसा टेलीकॉम आपको डेली लाइव दिखा सकता है, और क्या बोलूँ मैं कि मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है जो डेली लाइव आता है और अपनी क्लास को दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों डेली लाइव दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप हर दिन लाइव दिखा रहे हैं, ये नहीं कि सब काम कर रहे हैं और पीछे कैमरा घुमा दिया, ऐसा तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी दिखा सकते हैं। ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो एंड भविष्य बनाओ अपना, बाकी क्या है, नहीं तो फिर बूढ़ियों से तो फिर जिंदगी भर आपका सफ़र। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, मैं वीडियो लाइक के लिए नहीं डालता और वीडियो फॉलोअर्स के लिए नहीं डालता, ये नॉलेज है। आपको लगता है कि इस चैनल से आपको ज्ञान मिल सकता तो करो, नहीं तो फिर दुनिया में बहुत चैनल है। थैंक यू वेरी मच।